राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी कह रही है हाथी मेरा साथी। हमारे साथ हैं मदन दिलावर, विधायक हैं बीजेपी के। बीएसपी शामिल हो गई कांग्रेस में, दर्द बीजेपी को हो रहा है। बीएसपी शामिल हुई, बीएसपी खंडित बीएसपी शामिल हुई है, यानी राजस्थान की स्टेट यूनिट शामिल हुई है। और होना चाहिए था, यदि विलय होता तो पूरे राष्ट्रीय पार्टी का होता और जिसका निर्णय जो मायावती जी बसपा की वह करती, पर इन्होंने विधायकों सहित जो स्टेट यूनिट को बसपा में शामिल कर लिया है, ये कानून सम्मत नहीं है, ये विधि विरुद्ध है। इसके विरोध में मैंने अपील दायर की। आपको लगता है जो बातें आप कह रहे हैं वो बसपा बहुजन समाज पार्टी कहती तो ठीक रहता? मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूँ और मुझे ये बात करने का अधिकार है, क्योंकि इससे कांग्रेस का नफा और नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को नफा और नुकसान छुपा हुआ है। तो अभी जो धरने पर बैठे थे अंदर, आप क्या समस्या हो गई थी? क्योंकि मैंने कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को और सचिव महोदय को निवेदन किया था कि मुझे जो आपने आदेश दिया है, मेरी अपील निस्तारित की है, उस आदेश की कॉपी मुझे दे दीजिए। कल ही निवेदन कर दिया था ईमेल के माध्यम से, लेकिन मेरे को उपलब्ध नहीं कराई गई। मैं विधानसभा में आया, मैंने समय दिया कि इतने समय दे दो मुझे, लेकिन ये कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जी का आदेश लेंगे, परमिशन लेंगे, तो फिर मैं धरने पर बैठ गया। माने सचिव महोदय आए, उनका कि हम आपको दे देंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने ईमेल पर ईमेल भेजा मेरे को, लेकिन ईमेल में सूचना थी कि इन इन इस कारण से, यानी इन धाराओं में आपकी जो पिटीशन थी उसको रद्द कर दिया गया है। पर वो जो आदेश था निरस्त, जो आदेश था विस्तृत, उसके लिए अब कहा गया मुझे कि आपको शाम तक हम उपलब्ध करा देंगे। ये माननीय सचिव मोदी द्वारा मुझे कहा गया कि शाम तक मुझको उपलब्ध करवा देंगे। आपको लगता है पूरा खेल खेला गया? आप राजस्थान हाई कोर्ट में गए और उसके बाद आनंद फानंद में ये सब किया गया ताकि वहाँ से बचा जा सके। ये कांग्रेस पार्टी अल्पमत में थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए गलत तरीके से इन्होंने और बसपा के विधायकों का विलय किया है, यानी जोड़ तोड़ करके, खरीद करके, प्रलोभन दे करके, इस प्रकार से जो सरकार बचा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आप राजस्थान हाई कोर्ट गए थे, अब क्या नई याचिका के साथ जाएंगे? मैं मेरे वकीलों से, विधि वेताओं से राय सलाह मशवरा करूँगा और यदि ऐसा हुआ कि जाना चाहिए तो जाऊँगा। बहुजन समाज पार्टी गई है आज, स्वागत है। देखा जा सकता है किस तरह से आप बीजेपी चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलए शामिल हुए हैं कांग्रेस में, उन पर कोई फैसला आ जाए और ऐसा फैसला है कि उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो खत्म हो जाए, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा घाटा होगा। उससे ज़्यादा बीजेपी को लग रहा है कि इस सियासी संकट में सियासी फायदा हो सकता है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।